हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू वेल। आज हम क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है। सो ये पार्ट सेकंड वीडियो है हमारी। पार्ट फर्स्ट जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ जाकर आपको देख लेना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये अंडर रूट 3 27 अपॉन 125, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले 27 न्यूमरेटर में है, 27 का फैक्टर निकालेंगे, 125 का फैक्टर निकालेंगे, सेम फैक्टर कट करेंगे, जो कट नहीं होते हैं उनको हम ग्रुप में राइट करेंगे, वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले 27 के फैक्टर निकाल लेंगे। सो देखो यहाँ पे 27, अभी ये इसकी नोट प्लेस 7 है, ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो हमें 3 से चेक करना होगा। 7 प्लस 2 9 होते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 भी 3 से डिवाइड होता है। डिजिट की एडिशन 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये इसकी एडिशन 3 से डिवाइड होती है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 9 ज़ा 27। अब ये 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे हम 3 3 ज़ा 9। 3 ये प्राइम नंबर है, इसको इसी नंबर से डिवाइड करना होगा, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए हैं, 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, 3 × 3 × 3 ये आए हैं। अभी मैं 125 ये नंबर है, इसके भी फैक्टर निकाल लेती हूँ, 125। अभी इसके नोट प्लेस पे 5 है, 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से हमें चेक करना होगा। यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 0 होता यहाँ पे 5 की जगह तो भी वो 5 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10। 12 में से 10 सबसे हो गए, 2 रह गए, 2 एंड 5 25 हो गए, 5 5 ज़ा 25। अभी ये 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 5 है इसीलिए, तो 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5। अभी यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5 है, ये कट नहीं हो सकता, सेम नंबर नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 रेस टू 3 5 रेस टू 3। ओके, सो ये है 27 अपॉन 125। क्यूब रूट 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू, इन नंबर्स की वैल्यू ये आई है, तो हम इन नंबर की जगह ये नंबर पुट करेंगे, क्यूब रूट एज इट इज रहेगा, क्यूब रूट। ओके, तो यहाँ पे 3 रेस टू 3 5 रेस टू 3। अभी हम इन दोनों नंबर को अलग अलग रूट में लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 3 3 रेस टू 3, और यहाँ पे क्यूब रूट 5 रेस टू 3। अभी यहाँ पे ये दोनों सेम नंबर है पावर में, और यहाँ पे तो ये नंबर विथ रूट, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 अपॉन 5, यही नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे क्यूब रूट 27 अपॉन 125 का आंसर क्या आ गया, 3 अपॉन 5। क्यूब रूट 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, हो गया सिंप्लीफाई। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, 16 के और 54 के, और हम बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 16 के नोट प्लेस 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 2 भी 2 को भी 2 से डिवाइड करना होगा, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स आया है, वो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया। अभी यहाँ पे 54, यहाँ पे नोट प्लेस 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 14 हो गए, 2 7 ज़ा 14। अभी यहाँ पे 27 है,
तो ये टू से डिवाइड नहीं होगा, यूनिट प्लस सेवन है इसीलिए। तो यहाँ पे सेवन प्लस टू नाइन होते हैं, तो ये नंबर थ्री से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनकी एडिशन ये दोनों डिजिट की एडिशन करने के बाद नाइन आती है, तो नाइन थ्री से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा, थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री नाइन ज़ा 27, तो यहाँ पे 9 आया है, ये 9 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 जार 3। तो यहाँ पे कौन से नंबर आ गए, कौन से फैक्टर आ गए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अभी ये न्यूमरेटर का डिनोमेटर का 2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि सेम नंबर है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, सिर्फ 16/54 इज इक्वल टू इन 2 × 2 × 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raise to 3, और इन 3 × 3 × 3 को कैसे लिखेंगे, 3 raise to 3। ओके, अभी हम इन नंबर को क्यूब रूट में ले लेते हैं, क्यूब रूट 16/54 और इनको कैसे लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे क्यूब रूट में, क्यूब रूट 2 raise to 3 और इसको क्यूब रूट 3 raise to 3। अभी ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा विथ रूट। ओके, अगर यहाँ पे दो सेम नंबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या नंबर रहेगा, सिर्फ 2 और नीचे आएगा 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, क्यूब रूट 16/54 इज इक्वल टू 2/3 आंसर आ गया, क्यूब रूट 16/54 इज इक्वल टू 2/3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अभी यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू का निकालनी है, तो पहले यहाँ पे हम इस वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो पहले देखो 0.000729, देखो यहाँ पे 16 डिजिट है कि नहीं डिनोमीटर के राइट साइड में, तो हम 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 लगाएंगे, तब जाके ये डेसिमल पॉइंट का यहाँ का निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट निकल गया है, तो यहाँ पे 0 तो आगे के 0 का कुछ वैल्यूशन नहीं रहेगा, सिर्फ 729 यही नंबर रहेगा, सो 729। ओके, आया समझ में, इसका कन्वर्जन यहाँ कैसे हो गया। ओके, अभी हम इन दोनों के फैक्टर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 729 के फैक्टर कैसे आएंगे, 9 + 2 = 11, 11 + 7 = 18 हो गए। तो यहाँ पे ये 18 इनके एडिशन, इन सभी डिजिट के एडिशन 18 आ रही है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, 1 and 2 = 12 हो गए, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे 3 + 2, यहाँ पे 5 हो गए, 5 + 4 = 9 हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, तो 8 + 1 = 9 हो गए, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, 2 and 1 = 21 हो गए, 7 × 21, 7 + 2 = 9, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कर लेते हैं, 3 × 9 = 27। अभी ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 = 9, अभी इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे 3 3 के 2 ग्रुप्स मिले हैं हमें, तो यहाँ पे मैं आगे लिख लेती हूँ, 729 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ओके, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ओके, अभी यहाँ पे 1 के बाद इतने 0 लगाए हैं, इसके अगर हम फैक्टर निकालते बैठेंगे तो बहुत पूरा पेज लग जाएगा, फिर भी उसके फैक्टर जल्दी नहीं निकलेंगे। तो एक सिंपल ट्रिक है इसके फैक्टर निकालने के लिए, 1 के बाद कितने भी 0 हो, उन सभी 0 को हम 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 2 में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कैसे फॉर्म हो गए, 100 × 100 × 100 ऐसे फॉर्म हो गए। ओके, तो हमें इसके फैक्टर कौन से मिल गए, 100 raise to 3 ये फैक्टर मिल गए। ओके, आया समझ में, जितने 0 थे उनको 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर लिया, और उन सभी के आगे हमने 1 1 लगा दिया, तो
ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल रहता है, इसका मतलब इसके फैक्टर यहाँ पे 100 क्यूब ये फैक्टर आ गए। और ये इसके फैक्टर कैसे आएंगे देखो नीचे लिख लेती हूँ, 729 अपॉन इज इक्वल टू, अभी ये 3-3 के दो ग्रुप से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 3 और नीचे आएगा 100 का क्यूब। और इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों दोनों का पावर सेम है तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेती हूँ 3 इंटू 3 रेस टू 3 और नीचे आएगा 100 रेस टू 3। 3 3 9 होते हैं, सो यहाँ पे 9 क्यूब अपॉन 100 क्यूब ये आंसर आ गया किसका, इस यानी कि यही नंबर का, ये सिर्फ नंबर आया है ना, इसकी वैल्यू आ गई 9 क्यूब अपॉन 100 क्यूब। अभी देखो मैं क्यूब रूट में लिख लेती हूँ उनको, क्यूब रूट 0.000729 इज इक्वल टू 729 अपॉन अभी मैंने इनको अगर क्यूब रूट में डाल दिया, इनकी जगह ये वैल्यू डाल देती हूँ मैं क्यूब रूट 9 क्यूब एंड 100 क्यूब। ओके तो इसका सिंप्लीफाई कैसे आएगा अलग अलग रूट में, देखो क्यूब रूट 9 क्यूब और दूसरे क्यूब रूट नीचे क्यूब रूट 100 क्यूब। अभी आपको तो पता ही सेम सेम 3 कट हो जाता है विथ रूट, रूट भी कट हो जाएगा, 3 0 भी कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या वैल्यू रहेगी 9 अपॉन 100। तो इसका आंसर आ गया 9 अपॉन 100। ये 9 अपॉन 100 ये डेसिमल फॉर्म में आ सकता है क्या, 9 अपॉन 100 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे क्यूब रूट 0.000729 इज इक्वल टू 9 अपॉन 100। अभी हमें इस 9 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो अगर यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 0.09 ये आंसर आएगा। कैसे कन्वर्जन हो गया इस नंबर का इसमें, तो देखो यहाँ पे 2 जीरो है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 नंबर चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो उसके आगे हमने 1 जीरो लगा दिया, आगे लगाना ये 0 तो उसके आगे हमने डेसिमल पॉइंट दे दिया, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ डेसिमल पॉइंट एंड ये दोनों 0 इंपॉर्टेंट है, तो डेसिमल पॉइंट के आगे हम 0 बोलते ही है 0.09 ये आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर है हमारा क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू 0.09। अंडरस्टैंड?